के बारे में पढ़ेंगे। दो बियरिंग आपको पढ़नी है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, दूसरा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो सबसे पहले जान लीजिए बियरिंग क्या होता है। अब बियरिंग इज मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट्स अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट, ठीक है, नोन एज जर्नल। होता क्या है, जो शाफ्ट होता है उसको माउंट किया जाता है जो मशीन एलिमेंट से, तो पहले शाफ्ट बियरिंग पे माउंट होता है और बियरिंग आपके मशीन एलिमेंट में माउंट होता है। इट परमिट्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फिस ऑफ द मेम्बर्स वाइल कैरिंग द लोड। अ लिटिल कंसिड्रेशन विल शो दैट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फिस, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर इज वास्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एंड इट इज इफ द रबिंग सर्फिस आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देयर विल बी रैपिड वियर। होता क्या है कि जब आपका शाफ्ट आपके बेयरिंग माउंट है, तो शाफ्ट घूम रहा है और बेयरिंग पे लगा हुआ है, तो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी पावर वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। तो ये देखते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड वियर, इन सम केसेस टू कैरी अवे हीट जनरेटेड, अ लेयर ऑफ फ्लूड नोन एज लुब्रिकेंट मे बी प्रोवाइडेड। द लुब्रिकेंट यूज टू सेपरेट द जर्नल एंड द बियरिंग। तो शाफ्ट के ऊपर का जो कवर है उसको हम जर्नल कह सकते हैं, या शाफ्ट को भी जर्नल कह सकते हैं, और बेयरिंग के बीच में हम एक लुब्रिकेंट होता है, इज यूजली ऑफ मिनरल ऑयल रिफाइंड फ्रॉम पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स, सिलिकॉन ऑयल्स, ग्रीस एक्सेट्रा में भी यूज्ड। तो लुब्रिकेंट आपका पेट्रोलियम हो सकता है, ऑयल रिफाइंड ऑयल हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ठीक है, यूज होता है। तो पहले आपका एक जर्नल होता है, जर्नल के ऊपर बेयरिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग।